दोस्तों आज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना जिहड़ी पिछले दिनी राघव चड्ढा नूं साडे पंजाब दे उत्ते थोपिया गया है। वैसे तो बहुत काफ़ी चर्चा हो चुकी वख-वख समाजक और सियासी गलियारियां चों, पर फिर भी मैं कहना चाहना स्पेसिफिकली कि राघव चड्ढा नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री दे उपर एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ला के एक तो सब तो पहला आम आदमी पार्टी ने ते केजरीवाल ने भगवंत मान की तोहीन की है। यह मतलब वो काबिलियत से शक किया कि चीफ मिनिस्टर जिहड़ा कि इलैक्टेड आदमी है जिहड़ा दो बार मैंबर पार्लियामेंट रह चुका उहदे च काबिलियत की कमी है। उहदे को सरकार अच्छी तरह पिछले तीन चार महीनों नहीं चल रही। संगरूर का नतीजा आम आदमी पार्टी के उल्ट आया। इस नूं रिपेयर करन वास्ते हुण कोई सानू ट्रेनड बंदा चाहीदा वा, शातर बंदा चाहीदा, तां केजरीवाल ने अपनी टीम चो सब तो शातर आदमी राघव चड्ढा नूं पहला राज्यसभा का मैंबर बनाया, साडे जज्बातां नूं कुचल के, पंजाब दे जज्बातां नूं कुचल के, ते फिर हुण उहनूं उस नूं पंजाब गवर्नमेंट दे उपर एक एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी बना के उसका चेयरमैन बना दिता। इहदे नाल भगवंत मान की तोहीन तो है ही है, यह सारी कैबिनेट की तोहीन भी है। जिन्हें मिनिस्टर्स तुसी बने हो ना आम आदमी पार्टी वालों, तुहाडी भी तोहीन है। इहदा मतलब कि हुण राघव चड्ढा कैबिनेट नूं ते चीफ मिनिस्टर नूं गाइड करिया करेगा कि इस तरह ना पंजाब चलाउणा वा, तुसी तुहानूं पंजाब दे बारे कोई इलम नहीं गा। इस तों अगले कदम विच 92 MLAs की तोहीन है। आम आदमी पार्टी के बहुत जिहड़ा इन्हां दा केडर सीगा वो बड़ा चर्चा करता सीगा कि साडे कोल असी डॉक्टर लभ के लैके आए, असी इंजीनियर लभ के लैके आए हैं, असी बहुत अच्छे अफसर ब्यूरोक्रैट्स रिटायर्ड जिहड़े आ या नौकरियां छड्ड के आए ने साडे कोल, ओह आ साडे कोल बहुत तजर्बेकार व्यक्ति ने जिहड़े पंजाब नूं बहुत अच्छे तरीके नाल चलाउणगे। उन्हां सारे 92 MLAs की भी बहुत वड्डी तोहीन है। अल्टीमेटली तोहीन साडी है पंजाब, 3.25 करोड़ आबादी चों इन्हां नूं कोई बंदा इस तरह का नहीं लभ्या, कोई योग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट जिहड़ा पंजाब नूं सही राह दे उत्ते पा सके। हुण मैं तुहानूं 2-3 नाम दस दिंदा। अगर भगवंत मान वाकई चाहुंदा सी किसी दी एडवाइस कि पंजाब नूं असीं किद्दां लैके जाणा, पंजाब दे पाणियां दा की मसला है, पंजाब दे जिहड़े कॉम्पलैक्स पोलिटिकल सोशल रिलीजियस इशूज ने इन्हां नूं किद्दां रिजोल्व करना, तां पंजाब दे विच बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तजर्बेकार जिन्हां दे कोल सारी जिंदगी दा तजर्बा सीगा उह साडे कोल हन, पर उन्हां चों कोई नहीं चुणिया। जे मैं गल करां सरदारा सिंह जौहल, एमिनेंट साइंटिस्ट, फार्म इकोनोमिस्ट, उन्होंने बतौर वाइस चांसलर पंजाब दीआं वख-वख यूनिवर्सिटियां विच सेवा की, और सब तो इंपोर्टेंट सेवा की उन्होंने लुधियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर के एस ओलक वो भी वाइस चांसलर रहे ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जिथे जिथों साडी हरी क्रांति, जिथों साडी अल्टीमेटली चिट्टी क्रांति जिहड़ी उह पैदा हुई आ, वो इन्हां वर्गे विद्वान लोगों ने पढ़े लिखे जिहड़े पंजाब दे ते सिख जिहड़े बुद्धिजीवी सीगे उन्होंने पैदा की। जनरल सतबीर सिंह बाजवा जिहड़े किसान अंदोलन दे विच बड़ा मुढ़ला एक बड़ा वड्डा रोल अदा किया, उन्होंने मतलब एक फौज विचों रिटायर्ड आदमी जिहड़ा पंजाब नाल कनैक्टेड आ, जिहड़ा पंजाब लई सोचदा वा, और उसनू भी छड्ड दिता। जनरल सतबीर सिंह बाजवा नू भी छड्ड दिता, तो कौन लभ्या एक एवं 32-33 साल का एक छोरा राघव चड्ढा, वह हुण साडे पंजाब नू समझावेगा उस धरती नू जिहड़ी गुरुआं दी पीरां दी पैगंबरां दी, जिस धरती दे उत्ते बहादुर जोधियां दा खून डुल्लिया होया, साडे छोटे छोटे साहिबजादियां दा, नौवीं पातशाही जिहनू हिंद दी चादर कहा गया सीगा, जिन्हां दी कुरबानी जिन्हां दा बलिदान अज भी सारी विश्व दे विच, ना सिर्फ भारत विच इंडिया च बल्कि सारी दुनिया दे विच जाणिया जांदा, दसम पिता सरबंस दानी बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई जैता जी ते माई भागो ते अते बेतहाशा साडा इतिहास जिहड़ा वा, अते सारे धर्मां दा इतिहास गुरु ग्रंथ साहिब विच सारिआं दी बाणी दर्ज हैगी आ। इह धरती उह आ जिहदे ते खून डुल्लिया होया वा सारा। महाराजा रणजीत सिंह 1699 च खालसे दी सिरजना हुंदी आ, ठीक 100 साल बाद उहदी स्पिरिट जिहड़ी सी खालसे दी जिहड़ी उह भरी गई साडे विच, सिर्फ 19 साल दी उमर दे विच 1799 दे विच महाराजा रणजीत सिंह सिख कौम दा झंडा लाहौर दे दरबार दे उत्ते गड्ड दिंदे ने, 40 साल उह राज जिहड़ा अज तक दुनिया दे विच BBC दा लेटेस्ट सर्वे कंडक्ट होया अबाउट बेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, BBC ने कंडक्ट किया वा, महाराजा रणजीत सिंह का नंबर 1 ते नाम आया। सैक्यूलर
उन्होंने अपने राज विच सारे धर्मां नूं, चाहे वह मुसलमान सी, चाहे वह ईसाई सी, चाहे वह हिंदू सी, चाहे वह सिख सिगे, सारयां नूं बराबर का दर्जा दिता। और आपां नूं सब नूं पता वा कि उन्हां दी फौज विच, उन्हां दे दरबार दे विच, मैं कहना कि फ्रेंच जनरल्स की तुहाडे वर्ल्ड वाइड जिहड़ा बेस्ट उस वेले दा दिमाग सीगा उह महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कोल लिया के ते अपने दरबार नूं चलाया 40 साल। और चलो अपने राज दा किदां अंत होया, किदां डोगरिया ने साडे नाल बेईमानी की, वह सारा कुछ तुसीं अच्छी तरह जानते हो। यह पंजाब आ और हुण भी जूझ रहा पंजाब, साडे दरबार साहब ते हमला, साडे उस तो बाद कतलोगारत दिल्ली दे विच, और एडिया वड्डिया चुनौतियां ने साडा पानी दरियावां दा सारा दूजे सूबे नूं जा रहा वा निरंतर। कि इस तरह के व्यक्ति मतलब जिहड़े हले ट्रेनड भी नहीं, जिन्हां नूं पंजाब दे विरसे बारे नहीं पता, जिन्हां नूं पंजाब दे इतिहास बारे नहीं पता, वह भगवंत मान दे उत्ते बैठ के सानू दसेगा कि करना। और मैं सल्यूट करदा वां जगमोहन सिंह पट्टी जिहड़े एडवोकेट ने, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करती हाई कोर्ट च, अगले हफ्ते जो उहदे च नोटिस होगा, क्योंकि यह सारी जिहड़ी अपॉइंटमेंट है एरोनियस है, गलत है, अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, इलीगल है, इलेजिटमेट है, यह कभी कानून अनुसार चलेगी नहीं, क्योंकि चीफ सैकटरी की बांह मरोड़ के, शायद पहले चीफ सैकटरी ने मनिया नहीं होना तो उन्होंने तबादला करता, नवे चीफ सैकटरी को कहा कि लिख इतने, उसके को नोटिफिकेशन जारी करती कि यह एक एडहॉक टेंपरेरी कमेटी बना रहे हैं असं जिहड़ी पंजाब सरकार को एडवाइस करेगी, तो राघव चड्डा उसका असं चेयरमैन बना रहे हैं। नॉर्मल गजट नोटिफिकेशन गवर्नर के नाम से होंगे पंजाब, इकले चीफ सैकटरी ने कर दी है, और यदि कोई प्रोविजन नहीं गई लॉ के, अगर इदा प्रोविजन होंगी तो फिर आप असेंबली कहते चुनते हैं, फिर आप मिनिस्टर्स कहते बनाने, फिर तो आप डायरेक्टली बंदे सिर्फ लभ के अपॉइंट कर दिया करिए, चीफ सैकटरी पंजाब की नोटिफिकेशन कर दे, सरकार बना दे, वो सरकार बह के चला लग जाए। सिर्फ राघव चड्डे एक जरा कहते होंगे कि कानून का अमली जामा पहनाने वास्ते चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कोठी के जोड़ा पूल हैगा वो एक कोठी उन्होंने सरकारी तौर पर अलॉट करने वास्ते उन्होंने अथॉरिटी दी कि सारे अफसरों जो मर्जी वो समन कर सके, इस करके उसको एक फर्जी नोटिफिकेशन के राही साढ़े पंजाब के उत्ते थोपिया गया वा, जिहड़ा पंजाब के लोग कभी कबूलणगे नहीं। मेरी समूह पंजाब के बहादुर लोगों नूं, सारे वर्गों के लोगों नूं, कि इनू रिजेक्ट करो, इस नूं मूंह ना लाओ, इस नूं मिलो ना, तुसी मिलोगे तो तुसी पंजाब की तोहीन करोगे। तुसी मत्तेवाड़े का देख लिया किस तरह होया वा, सब कुछ इहो ही बंदे ने जिहड़े मत्तेवाड़ा के पहला हक च बोलते सी जंगल के, सिर्फ राज भाग मिलण नाल इन्होंने यू टर्न मारिया पहला, फिर जदों पंजाब दे लोकां ने उत्थे इकट्ठ कीता ते एक मुहाज खड़ा किया, फिर दूजा यू टर्न मारिया, फिर कहिंदे असीं तक बनाउणा नहीं चाहुंदे सीगे टैक्सटाइल पार्क। ये एक ताज़ी मिसाल आ, पंजाब दे कोल बहुत स्ट्रेंथ आ, आपां सब ने पंजाब दे जिमीदारां ने, किसानां ने, किरतियां ने, कामियां ने, सारे वर्गां नाल जाके मोदी दा नक भन्निया सी ताज़ा दिल्ली दे बरूहां दे विच बैठ के 1.5 साल। आपां ओह पंजाब दे जनता है, पंजाब दे बहादुर लोग ने। और उस तो बाद जो तुसी दीप सिद्धू दे उत्ते इकट्ठ किया, जो सिद्धू मूसेवाले दा जिहड़ा चाहे लख गाना बैन कर दिता सरकार ने, पर जिदा तुसी उस दी हौसला अफजाई की, उहदे परिवार की, उहदा दुख मनाया साडे जान दा, लखां की तादाद आप मुहारे इकट्ठ हो रहे ने, चाहे कोटकपूरे आ, चाहे वह सरबत खालसे का चब्बा वा, पंजाब दे लोग किते भारत में इदां दे आप मुहारे लखां दे इकट्ठ नहीं होंदे जिहड़े पंजाब पिछले 5-7 सालां दे, क्योंकि पंजाब उतावला है, पंजाब चाहुंदा वा कि सानू कोई अच्छी दिशा मिले, साडे बच्चे इत्थे रहन, साडे बच्चे विदेशां नूं ना भज्जण, साडे किसान आत्महत्या ना करन, साडे किसानी दा भविख बैटर होवे, साडे खेत मजदूरां नूं कुछ अच्छे हालात मिलन। पंजाब इह लभ रिहा वा, असीं राघव चड्डा नहीं लभ रहे, केजरीवाल जी, यू एब्सोल्यूटली रोंग, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एरोनियस एंड इलीगल एंड इलेजिटमेट अपॉइंटमेंट ऑफ योर्स, और मत थोपो साडे उत्ते बंदे। और भगवंत मान नूं मेरी बेनती है, देख तुसी आपां कुलीग रहे हैं, आपां सारे ने काम किया, खड़े हो जरा उन्हां दे सामने, जिन्ना तुसी लम्मे पई चलोंगे उन्ना तुहानूं होर लम्मे पई चलणगे। जिस दिन तुसी खड़े होगे कि नहीं बस इस तों ज्यादा तुहाडी मुदाखलत असीं नहीं चलांगे, असीं सारे तुहाडा साथ देंगे, असीं देंगे तुहाडा साथ, चाहे किसी पार्टी च बैठे हैं, क्योंकि गल पंजाब दी हो रही है। इसलिए इस तरह के व्यक्तियों नूं असीं कदी प्रवान नहीं करांगे, मैं कदी उहदी तोहीन नहीं करना चाहुंदा। वह होवेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहिंदे जी पढ़िया उत्थों एल्यूमिनी आ उत्थों दा, लंडन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स, नो, सिर्फ एक सर्टिफाइड कोर्स किया, एक कोर्स
ਜਦਾਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਿਊਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਐਲਐਸਸੀ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਟ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।